महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी फेयर एंड लवली स्कीम चला रही है। जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है, किसी को ईडी का डर लगाकर, किसी को पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने दल में लेना, ये बीजेपी का अब ये रूल हो चुका है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटना जो देखी गई, महाराष्ट्र की जनता इसको कोस रही है। बीजेपी अब दोबारा महाराष्ट्र की सत्ता में नहीं आएगी, ये भूमिका महाराष्ट्र की जनता ने ले लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो इस बात को कदापि एक्सेप्ट नहीं कर। मोदी जी से पूछना चाहते हैं हम कि अभी एक आध दिन पहले वो बता रहे थे कि ये 70,000 करोड़ के भ्रष्ट लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो अब उस 70,000 करोड़ में से कितना कम हो गया आज? मोदी जी का गणित करके बता दें जरा, क्योंकि वो A2AB करते रहते हैं ना, तो उनसे पूछिए अब ये 2AB में क्या हुआ? अब तो 70,000 करोड़ घट के 20,000, 25,000, 30,000 कितना हुआ? ये फेयर एंड लवली स्कीम जो इन लोगों ने चला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी देश पूरा देश देख रहा है। तो उधर बीजेपी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को राजनीति का चाणक्य बता रहे हैं, और इधर विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेर रहा है कि जो भ्रष्टाचार का जिन नेताओं पर आरोप था, अब क्या वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएंगे? उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में हुई उलटफेर के बाद कहा है कि पटना में विपक्ष की बैठक के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी की प्रयोगशाला बन गई। आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिलिए, आप बताइए कौन से पोजीशन की मीटिंग है ये जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, ये फुलान टीम है। मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। और महाराष्ट्र में हुई उठापटक के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की फूट पड़ने का दावा किया है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव और दहशत की राजनीति करना चाहती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल करके माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद दे दिया, मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को धोखा दिया। उसके पहले RJD के साथ वो रहे, लालू प्रसाद जी के साथ रहे, उनको तो धोखा देकर वो बीजेपी के साथ आए थे, इसीलिए वो कब कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है। और इसीलिए मतलब उनके MLA में भी मतलब दूरी नाराजी दिखाई देती है, इसीलिए बिहार में भी इसी तरह का अजीत पवार एक तैयार हो सकता है, और वहाँ भी मतलब ऐसी टूट फाट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी भी नाराज चल रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है। शिवसेना को तोड़ दिया है, NCP को कल तोड़ दिया है, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, महाराष्ट्र देश में तो बहुत जगह पर तोड़ दिया, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग गुस्से में है महाराष्ट्र के, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। Z News.